वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। उत्तराखंड में नामचीन बिल्डर की आत्महत्या और उनके जरिए छोड़े गए सुसाइड नोट के पीछे की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने गुप्ता बंधुओं को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। इस घटना के केंद्र में केवल भू माफिया तंत्र ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी राजनीतिक ताकतों का भी मिला जुला नेटवर्क माना जा रहा है। देवभूमि में लोग इस घटना की पूरी जांच पड़ताल भी चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों से मांग भी हो रही है कि इसकी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच हो या इस पर जो न्यायिक जांच है किसी रिटायर्ड जज से इस पर जांच कराई जाए। मामला बड़ा है उत्तराखंड देवभूमि, और वहां पर अगर ऐसी घटना होती है तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिनके कारण एक ऐसे नामचीन व्यक्ति को जिसकी छवि बहुत अच्छी थी और वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गया हो। तो आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नीरज भाई आपके पास आ रहा हूं। नीरज भाई, देखिए मामला नीरज जी इतना बड़ा है कि केवल अगर हम देखें, नीरज जी मुझे लगता है नीरज जी से संपर्क टूट गया है। नरेंद्र सेठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नरेंद्र सेठी जी, अगर आप देखें यह मामला इतना बड़ा दिखता है कि एक ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर होता है जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, जिसकी एक छवि थी, जिसको लोग जानते थे, जिसके प्रोजेक्ट को हाथों हाथ बिकने में देर नहीं लगती थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, और वो आत्महत्या करता है। आत्महत्या में उसने एक लंबी चौड़ी एक चिट्ठी लिखी है। एक और सूचना आ रही है और वो सूचना यह है कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस पर जांच चल रही थी, उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लगभग 8-10 दिन पहले की बात है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आप देखिए कि अब इसमें बहुत सारे नामों की बात हो रही है। एक जगह चर्चा चल रही है कि दिल्ली में कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इस तरीके की बातें सामने आई है। एक तरफ और चर्चा हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे पास सब चीजें, हम जल्दी खुलासा कर देंगे सब नामों का, मतलब कि बाहरी लोग तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन क्या हमारी पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि वो उनसे पहले उन चीजों को जान पाती, ये भी एक सवाल है। लेकिन फिर भी अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो अब आगे क्या, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है तो पर्दे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं उनके जो चेहरे हैं, जो हर बार बात होती है कि उजागर होने चाहिए, क्या इस प्रकरण के बाद इस तरीके के चेहरे उजागर होंगे? नरेंद्र सेठी जी। जी संजय जी, आपने अपने संबोधन में जैसे अभी कहा शुरुआती तौर पर कि इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है पूरे उत्तराखंड को, ये अपने तरीके की ऐसी पहली वारदात है जो कि हम लोग सीरियल्स में देखते थे कि किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया या उसको इस कदर इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जी, और दूसरा संजय जी ये है कि इसमें एक पहलू ये भी बहुत गहराई से आ रहा है सामने कि जितना व्यक्तिगत तौर पर बाबा साहनी को लोग जितना जानते थे और जितना जानते हैं बिरादरी में जितना सब, मैं भी नजदीकी तौर पर इसको वाकिफ हूं, वो इतने कायर व्यक्ति नहीं थे कि वो आत्महत्या कर लें, और उसको उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी प्रकार का कोई ऐसा मार्केट में, जैसा आपने कहा कि उनके प्रोजेक्ट बनते और साथ ही में बिक जाते थे, उनकी एक बहुत ब्रांडेड छवि थी। तो इस इन सब पहलुओं के बीच में अचानक उनसे इस प्रकार की वाणिज्यिक किसने निकाली, और ये उनको 2 पेज का जो उन्होंने आत्महत्या सुसाइड नोट लिखा है, मैंने मनोचिकित्सकों से पूछा तो मैंने उनसे जानकारी ली, मैंने कहा ये क्या व्यक्ति जिसने अपने जीवन को अंत करना है वो क्या इतनी लंबी फहरिस्त लिखेगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता, 59 सेकंड्स के अंदर डिसाइड करता है व्यक्ति कि मैंने मरना है या जीना है, और उसके बीच में उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि इतनी लंबी फहरिस्त लिख के वो आत्महत्या का कदम जैसा कदम उठाए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसकी घटना की सीबीआई जांच के अलावा मेरे को नहीं लगता कि स्थानीय स्तर पर इसकी गुत्थी सुलझ पाएगी, क्योंकि बेशक यहाँ के जो इस समय बहुत ही काबिले तारीफ हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं होंगी, जो मतलब हो सकता है इसमें जो जितने बड़े स्तर के जो माफिया या कोई इसके पॉलिटिकल बैकिंग हो तो उन पर चोट कर पाना शायद पुलिस की एक कार्य क्षेत्र से उससे बाहर होगा। तो नरेंद्र सेठी जी, अगर हम देखें तो
जो वर्तमान कप्तान है उन्होंने लगातार जैसे ही एक दर्ज हुआ मामला और तुरंत उन्होंने उठाकर जेल में भेजने का काम किया, हवालात में डाला। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जो राजनीतिक संरक्षण है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुप्ता बंधु कोई बहुत छोटी मोटी हस्ती है, गुप्ता बंधु का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके केवल रिलेशन एक ही जगह है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोग मदद के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है ना, उस कहानी के पीछे भी जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें नरेंद्र सेठी जी, केवल ये एक प्रोजेक्ट की बात नहीं, ऐसा कहा जा रहा है उनके दो तीन प्रोजेक्ट थे, ये भी कहा जा रहा है कुछ प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर चले गए थे, सील लग गई थी, ये भी कहा जा रहा है कि एक और इनके पार्टनर थे वो भी एक बड़े नामचीन चेहरे हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि वो बैकफुट पे चले गए। तो वो जो कहानी है कि भाई आखिर वो क्यों गए हैं, किसने दबाव बनाया, आखिर कौन सा वो दबाव था, और एक आदमी अगर ये लिखता भी है कि मेरे परिवार की जान को खतरा है, मतलब सेव माई फैमिली प्लीज, तो ये भी एक बहुत सारी चीज है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे उत्तराखंड जैसी जगह देवभूमि जहां पर है वहां पर इतने बड़े खतरे आ गए हो कि वहां पर परिवार का डर है, सारी चीजें, और फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। संजय जी, बहुत वेल ऑफ फैमिलीज हैं बाबा सानी, और मैं व्यक्तिगत तौर पर दोबारा इस बात को दावे से कह रहा हूं कि वो आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते किसी भी सूरत में, और ना वो ये इसका इसकी अगर गहराई से इसकी छानबीन हो, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक ये प्रेरित की गई हत्या का एक सीधा सीधा सा रूप है, जिसका खुलासा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसकी पौंद आज लग गई देवभूमि की भूमि पर यहाँ पे, तो ये इस तरीके का अपराध पनपने शुरू हो जाएंगे और उस पर रोक लगा पाना आगे आने वाले समय पर मुश्किल होगा। आपकी बात जायज है बिल्कुल कि पुलिस अधीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा उठा के हवालात में डाल दिया, ये भी अपना एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। और जिस प्रकार की गुप्ता बंधुओं की जड़ें हैं जहां तक, जो कि साउथ अफ्रीका के अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ सकता था उस बात के ऊपर, तो सोचिए कि उनकी जड़ें जहां तक होंगी। मेरे को नहीं लगता कि इस केस में सीबीआई से नीचे कोई व्यक्ति इसको इसको ढंग से इसका न्याय मिल पाएगा, और न्याय के लिए बहुत जरूरी है कि एक इतने होनहार यहाँ के व्यवसायिक उद्योगपति का चले जाना और उसके पीछे सफेद पोशों का भी और राजनीतिक संरक्षण का भी हाथ होना, तो इसका खुलासा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है। मथुरादत्त जोशी जी, अगर आप देखें इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आज बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं, एक ट्वीट हुआ कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, दिल्ली बैठे हुए हैं और उनका बड़ा एक इसके अंदर नाम हो सकता है, यहाँ तक कि उस ट्वीट में ये कहा गया कि उनका नाम अभी हम खोलना नहीं चाहते, लेकिन जल्दी उसका भी उजागर होगा, देखने वाली बात ही होगी कि उसका नाम कब तक उजागर होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो तब तो और बड़ी बात है, तब तो वास्तव में ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है। उसके अलावा एक और व्यक्ति कह रहे हैं कि उनके पास बड़ी मछलियों के बहुत सारे वो हैं, बल्कि वो विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जल्दी उन सब बड़ी मछलियों को उजागर कर दूंगा, देखने वाली बात ये होगी कि वो बड़ी मछलियाँ कब उजागर होती है। लेकिन हम आपसे अगर देखें, क्योंकि जोशी जी कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, तो आज इतनी बड़ी घटना जोशी जी हुई है, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दाग नहीं था, देखिए एक बड़ी चीज है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लेकर लोग कहते थे, जैसे नरेंद्र सेठी जी भी कह रहे हैं कि वो कायर नहीं था, तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा दबाव था, वो राजनीतिक दबाव था या वो पैसे का दबाव था या उनकी जो जमीन थी जहां प्रोजेक्ट कर रहे थे उसको छीनने का दबाव था, ये जो सारी चीजें हैं इन पर से पर्दा हटना चाहिए। और जो बात सेठी जी ने बोली कि इसकी वास्तव में सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे जोशी जी आप? देखिए गोस्वामी साहब, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बाबा सानी जी को अपनी श्रद्धांजलि अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जो चीजें आपने भी कही हैं, सेठी जी ने भी कही हैं, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। अभी आपने उनको कोर्ट ने उनको जो जिनके ऊपर ये मुकदमा हुआ है, गुप्ता बंधुओं की बात आई है, उनको न्यायिक हिरासत में दे दिया है, एक अलग पहलू है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की सरकार को जांच करानी चाहिए। और हमने तो मांग की है, माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने भी इसमें बोला है और कहा है कांग्रेस की तरफ से कि या तो सीबीआई की जांच हो या हाईकोर्ट की सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।
कि 10 दिन पहले जो पत्र लिखा गया था जिसमें उसमें नाम दिए गए थे या जो भी शिकायत की गई थी, क्यों नहीं पुलिस ने उसमें एक्शन लिया? आज केवल केवल मामले को शांत करने के लिए पुलिस, अगर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं सुसाइड नोट में जो नाम लिखे गए हैं उनको बंद करती है और आग में पानी डालने का काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये नाकाफी है। सरकार को निश्चित रूप से इतने बड़े उद्योगपति का जाना हो और जिस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न रहा हो, जिस व्यक्ति का कोई राजनीतिक रिकॉर्ड न रहा हो, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलत काम नहीं किया हो, कोई नोटिस नहीं आए हो या कोई उत्पीड़न की बात न हो, और वो व्यक्ति 2 पेज का सुसाइड नोट लिखता है, उसको तो इसमें और भी शंकाएं दिख रही है। 7वीं मंजिल से आप छलांग लगा रहे हो, उस 7वीं मंजिल में कौन था, क्या था, आई विटनेस कौन था, कुछ इन चीजों के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। एक नई चीजें ये सामने आ रही है, वे आप 7वीं मंजिल से कूद रहे हो तो उस वहां पर क्यों ऐसी बातें आई? और आप देखिए ना, 2 पेज का सुसाइड नोट लिखने में कितना समय लगा होगा? कोई आसानी से तो 10 मिनट में तो 10 लाइन लिखी नहीं जाती है। आदमी सुसाइड करने से पहले बहुत चीजों में विचार विमर्श करता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, अपनी रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, अपनी सारी व्यवस्थाओं के बारे में सोचता है, और कभी आदमी रुकता है फिर करता, कई चीजें ऐसी घटनाएं होती हैं। और जब इतना लंबा सुसाइड नोट लिखा हो तो उसमें जिन लोगों के नाम, राजनीतिक रूप से जिन लोगों के नाम आए हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, उनको बयान देने चाहिए कि भाजपा के किन किन नेताओं का संरक्षण गुप्ता बंधुओं को था या है, या जिनका कैबिनेट मंत्री जी का नाम आ रहा है, आप भी बोल रहे हैं, या विधायकों का नाम आ रहा है, जिनका भी नाम है, या जो भाजपा से जुड़े हुए व्यापारी हैं जिनके वजह से ये सब दिक्कतें सामने आई हैं, निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है। और हमारी तो मांग है कि CBI से इसकी जांच कराई जाए, और अगर CBI या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसमें जांच होनी नितांत आवश्यक है, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और राजधानी में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, आदमी सुसाइड कर रहे हैं या कई अन्य घटनाएं हो रही हैं, वो निश्चित रूप से इस सरकार का सबसे, इस सरकार की जो कानून व्यवस्था है, इस सरकार का जो पुलिस प्रशासन है, उसमें निश्चित रूप से शंका उत्पन्न होती है, उसमें उंगली उठती है। इसलिए भी सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। चूंकि सरकार के मंत्रियों का नाम आ रहा है, विधायकों का नाम आ रहा है, कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, इसलिए भी इसमें अगर मुख्यमंत्री जी थोड़े भी संवेदनशील होंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो CBI की जांच या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के लिए रिकमेंड करेंगे, अपनी सिफारिश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा जोशी जी, एक चीज बताइए जोशी जी, क्योंकि देहरादून की बात हो रही है, आप देख रहे होंगे कि देहरादून के अंदर दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 7-7 मंजिल, 8-8 मंजिल, धनाधन परमिशन हो रही है, भले ही किसी एक छोटे से व्यक्ति को 2 मंजिल बनाना भारी पड़ जाए, लेकिन वहां बड़े बड़े बिल्डर आ रहे हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं और लगातार सबके काम एक नंबर में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो वो जो स्थितियां हैं, वास्तव में जांच का विषय तो ये भी है कि आखिर ये इस तरीके की जो प्रतिस्पर्धा वहां पर चल रही है, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बाहर से लोग आ रहे हैं, किसका पैसा लग रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, या कल को कोई उसमें भी कोई आत्महत्या ऐसे ही करे। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि देहरादून का जो असली स्वरूप था, जिस तरीके से उस स्वरूप को बिगाड़ने का काम कर रखा है और देहरादून की जो आबो हवा है उसको खराब करने का काम, अव्यवस्थित निर्माण हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, आप देख लीजिए ना, कोई पता ही नहीं चल रहा आप किसी जगह जा रहे हैं। अभी आप 10 दिन बाद जाइए तो पता लगेगा, आप वहां पर तो कई मंजिली बिल्डिंग खड़ी होगी है और वहां पर तमाम चीजें ऐसी स्थिति बना दी गई है कि कौन परमिशन दे रहा, कहाँ से निर्माण कार्य हो रहे हैं, किसके कहने पर हो रहे हैं, किसके संरक्षण में हो रहे हैं, किस आदमी के माध्यम से हो रही है। ये वास्तव में ये बड़ी बात आपने कही है, इसमें भी जांच होनी जरूरी है। जो वर्तमान सरकार है वो तो अब क्या कहें, क्योंकि इसमें हम सारे एक राजनीतिक व्यक्ति मैं हूँ, बाकी सारे गैर राजनीतिक और
बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग समझदार लोग हैं, सब समझते हैं देहरादून को, देखा है। ओली साहब और नरेंद्र भाई तो देखिए बचपन से हम लोग साथ साथ रहे हैं, हम 50-60 साल से देहरादून को देख रहे हैं और देहरादून की जो खूबसूरती थी किस तरीके से उसको बिगाड़ने का काम किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर देख लीजिए क्या स्थिति बन गई। और ये जो आज की घटना ने वास्तव में इस प्रदेश को देवभूमि कहते हैं हम, यहाँ की जो आब हुआ है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो शांतिपूर्ण वातावरण है, निश्चित रूप से उसको कलंकित करने का काम किया है। मैंने कहा कि जैसा मुख्यमंत्री जी या सरकार अगर संवेदनशील होगी तो निश्चित रूप से इसकी गहराई में जाना चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए। यही गुप्ता बंधु थे, मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा। आप देखिए किसका संरक्षण था कि इनके लड़कों की शादी ओली में हुई, कितना बड़ा ओली को, कितना पर्यावरणीय रूप से कितना बड़ा नुकसान देने का काम इन लोगों ने किया। और अभी नरेंद्र भाई ने भी कहा, हम सबको पता है कि जिनकी वजह से एक राष्ट्रपति का बलिदान हो गया हो, एक राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा हो, सत्ता खोनी पड़ी हो एक राष्ट्रपति को, तो उसके बाद आपके प्रदेश में वो रह रहे हैं, आप उनके कुछ देख ही नहीं रहे हैं, उनके ऊपर क्या मुकदमे हैं नहीं है, किस तरीके की बातें होती हैं। मात्र एक साहब आपने पकड़ा और सलाखों के पीछे डाल दिया और न्यायिक हिरासत में चले गए, मैं समझता हूँ ये नाकाफी होगा, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और किस वजह से सानी साहब को सातवीं मंजिल से कूद कर, एक सज्जन व्यक्ति ने, मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली जा रहा था, मैं एक उदाहरण बताऊं, मुझे वो सीन बड़ा कचोट रहा है, बड़ी याद आ रही है कि चीतल में हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके तो सानी साहब से वहां पर मुलाकात, बहुत व्यवहार कुशल आदमी, वृद्धवासी आदमी, जिसका कई मतलब वो चेहरा मेरे सामने आ रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है अभी इस बात को कहते हुए भी कि भाई ऐसा सज्जन व्यक्ति, ऐसा मृदुभाषी व्यक्ति, आप उसको सातवीं मंजिल से कूदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किस व्यक्ति ने ये सब घटना को अंजाम दिया, कौन इसके पीछे है, कौन राजनीतिक लोग हैं, मैं राजनीतिक लोग भी कहूंगा, चाहे वो मेरी पार्टी के हों, चाहे भाजपा के लोग हों, जिनका भी संबंध है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है। नीरज कोहली जी, वैसे निश्चित जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नीरज भाई देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर बहुत सारे जो पर्दे हैं, पड़ते हैं, सब हटने लग रही हैं। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। कोई कह रहा है कैबिनेट मिनिस्टर हैं एक दिल्ली से, कोई कह रहा है कि कुछ चोर लोग हैं, कोई कह रहा है सत्ताधारी दल के लोग हैं, कोई कह रहा है कि पुरानी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि अगर राजनीतिक संरक्षण के तहत इस तरीके से व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर बाहर से आने के बाद पनपते हैं और फिर इस तरीके की घटनाएं यहाँ होती है, तो वो सवालों के घेरे में तो रहेगी रहेगी, लेकिन उस पर सरकारों को भी कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ बात, एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक ऐसी घटना हुई है, ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है कि कोई, वो व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोगों के बीच में नहीं रहता था, तो शायद इसलिए उसका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे ऐसी घटना ना हो, किसी और को ऐसे आत्महत्या ना करना पड़े, किसी और को ऐसे चिट्ठी में लिखना ना पड़े कि सेव माई फैमिली प्लीज। तो नीरज भाई, ये जो घटना हुई है, इसे आप क्या कहेंगे आप इस पर, और अब आगे, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, क्या वास्तव में जो राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग हैं उन पे से पर्दा हटेगा, या जो और बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं या बहुत सारे लोग एक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं फेसबुक पे कि बहुत बड़ी मछलियों के नाम में शाम तक जारी कर दूंगा, क्या वो जारी हो पाएंगे या पुलिस जल्दी ही कोई बड़ा खुलासा इसमें कर पाएगी? नीरज भाई। संजय भाई, देखिए ये घटना वाकई में देहरादून शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत दुखदायी घटना, और मैं कहता हूँ कि दून जैसी नगरी जो शांत नगरी के नाम से पूरे देश में जानी जाती है, उसको अशांत करने वाली घटना है ये, और खास तौर के रियल एस्टेट के जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये तो इस घटना का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि जो साहनी साहब हैं, मैं कभी उनसे व्यक्तिगत मिला नहीं, लेकिन कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, देहरादून छोटा शहर है जहाँ हमारा भी आना जाना लगा रहता है, वो भी आते जाते थे, वो भी पार्टिसिपेट करते थे, तो उनके कामकाज के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर और उनकी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है उसके आधार पर उनका नाम जो है शहर में लोग बहुत आदर सत्कार से लेते थे।
बहुत कम इस तरह के रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग होंगे, क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट के काम में फोकस ही ऐसा होता है कि तमाम तरह के लोग साथ में जुड़े होते हैं और गठजोड़ के साथ ये काम चलता है। तो बहुत साफ सुथरा होके और बहुत साफ रेपुटेशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इनकी रेपुटेशन, जैसा कि मैंने सुना इनके बारे में, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी। और सबसे बड़ा जो मुझे इस घटना में एक चीज ये लगी कि एक इतने बड़ा व्यक्ति जिसने अपने अपनी मेहनत से कम समय में अपनी रेपुटेशन भी बनाई और शहर में पूरे प्रदेश में अपना एक नाम भी बनाया, रियल इस्टेट में उनका नाम बहुत इज्जत से लोग बिल्डर के रूप में लेते थे, अगर वो व्यक्ति 16 मई को एक चिट्ठी देता है पुलिस प्रशासन को, एसपी सिटी को देता है और उसमें पूरा घटनाक्रम डालता है सारा का सारा कि इस तरीके से ये लोग हैं, इन लोगों के साथ मैं कारोबार कर रहा था और आज ये विवाद हो गया जिसकी वजह से जो है लगातार मुझे जो है टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार मुझे जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरे खिलाफ जो है एक झूठी तहरीर जो है सहारनपुर जनपद में दे दी गई है। ये FIR जो मैंने पढ़ी है और जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। और वहां से सहारनपुर की पुलिस से मेरे ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि आपके दामाद को, आपके पुत्र को जेल भेज दिया जाएगा और आपकी जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जो प्रोफेशन है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। वो 16 मई को चिट्ठी देता है और 16 मई के बाद ये 24 मई को ये घटनाक्रम हो जाता है। एक तरफ हम पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं कि घटना के चंद मिनटों के बाद ही पुलिस ने बड़ा काम करके बड़े आरोपियों को जेल में डाल दिया, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि शिकायत 16 मई को की गई थी। शायद अगर 8 दिन पहले पुलिस ने उस पर कुछ कार्रवाई कर दी होती, कुछ जांच कर दी होती, तो शायद आज सानी साहब हमारे बीच में होते। सिक्के का एक पहलू ये भी है। दूसरी बात यह है कि पिछले तीन महीने में ये देहरादून शहर में दूसरी घटना है। 21 फरवरी को मोहित भटेजा, जो जनरल महादेव सिंह रोड पे रहते थे, बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी थे, बेसिकली वो रुड़की के रहने वाले थे, उन्होंने भी इसी तरह से सुसाइड किया था और उन्होंने सुसाइड करने से पहले एक अपना 2.5-3 मिनट का वीडियो बनाया और एक सुसाइड नोट लिखा कि इन लोगों की वजह से मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, ये लोग मेरे पार्टनर थे, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया और अब मेरे पर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने DGP को चिट्ठी लिखी, IG को चिट्ठी लिखी, SSP को चिट्ठी लिखी सुसाइड से पहले, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब बात रही गुप्ता बंधुओं की, गुप्ता बंधु हैं जिनको BJP की पिछली सरकार में ही जेड श्रेणी की सिक्योरिटी प्रोवाइड थी कि ये अगर उत्तराखंड में आएंगे तो इनको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बराबर जो है जेड श्रेणी की सिक्योरिटी दी जाएगी और स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। ये उस मुकाम के, उस लेवल के लोग हैं। तो यहाँ अगर FIR दर्ज हो रही है और अगर आरोपी जेल जा रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, बहुत चाहे वो CBI की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की बात हो, उससे नीचे बात बनेगी नहीं। मतलब नीरज भाई, आपको लगता है कि एक बड़ा कोकस बन गया है देहरादून के अंदर, एक गठजोड़ चल रहा है कि दबाव बनाओ और जमीन छीन लो, या दबाव बनाओ उसे इतना मजबूर कर दो कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि जो बात आप बता रहे हैं वो भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ संकेत कर रही है, सेम एक घटनाएं जो हैं वो दोनों से मैच कर रही है। संजय भाई, दो तरह के लोग हैं देहरादून में काम करने के लिए, मैं कह रहा हूँ देहरादून में क्या पूरे प्रदेश में दो तरह के काम करने वाले लोग हैं। एक तो जिनको हम भू माफिया कहते हैं, जो सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जो लोगों की निजी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रियों के फर्जी वाड़े से लोगों की जमीनें कब्जा कर, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला था जमीन, हाँ जो स्कैम हुआ वो भी मेरे पूरे देश में इससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा, जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ। एक तो उस तरह के लोग हैं, एक सहानी साहब जैसे लोग हैं जो ईमानदारी से, मेहनत से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार को GST के रूप में, स्टैम्प ड्यूटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, बैंकों से लिए गए ऋण के रूप में जो ब्याज दे रहे हैं, इतना रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं, एक किस्म से कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा तंत्र भी है, जो इस लाइन पे चलने वाले लोग हैं। तो इस लाइन के से चलने वाले लोग तो रोजगार भी दे रहे हैं, सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं अपना नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, माफिया तबके के लोग हैं, वो अलग पंक्ति में खड़े हैं। तो हम दोनों को मिलान नहीं कर सकते, सानी साहब एक तरफ है और जो दो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो दूसरी तरफ है। तो इस चीज को भी हमें समझना होगा, सानी साहब जैसे जितने भी शहर के अंदर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण भी देना पड़ेगा, उनको अगर उनके साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो पुलिस प्रशासन को सबको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं उसमें सरकार का, पुलिस प्रशासन का या आपका और हमारा कोई किसी तरह की डायरेक्टली कोई दखलंदाजी नहीं है,
क्योंकि ये उनका अपना विवेक है, वो किसके साथ काम कर रहे हैं किसके साथ काम नहीं कर रहे, ये उनको सोच समझ के करना है कि मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो कैसा व्यक्ति है, उसके साथ मेरी आगे चलेगी ही नहीं चलेगी, क्योंकि ये उनका विवेक है। जब ये लोग पार्टनरशिप करने जाते हैं ना, आपसे पूछते हैं ना हमसे पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नीरज भाई, सवाल तो यहाँ यही है कि आखिर दबाव बनाने वाला जो राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है ना, उसके बाद अगर आदमी को आप आत्महत्या करने को मजबूर कर दें तो ये आत्महत्या कहाँ हुई, ये तो फिर एक तरीके से हत्या हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुखदाई है, मैं कहता रहा हूँ ये बहुत दुखदाई है। ये 16 तारीख को जो उनकी चिट्ठी लिखी गई थी, अगर उस पर तत्परता से, अगर गंभीरता से उस समय थोड़ा जल्दी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज सानी साहब बीच में होते। ये बड़ी चीज है जी, यही मैंने मोहित बटेजा वाला भी प्रकरण आपको इसी से इसलिए कनेक्ट करके बताया कि उस सेम उस प्रकरण में भी ये स्थिति बनी थी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं। जोशी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मथुरा दत्त जोशी जी। मैंने जो बात कही थी कि सातवें मंजिल से व्यक्ति कूद रहा है, हाँ, सातवें मंजिल की उस समय स्थिति क्या थी जब व्यक्ति कूदा, तो निश्चित रूप से पुलिस को उसकी भी जांच करनी चाहिए, प्रशासनिक तंत्र को, हाँ उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पिछले जब से उनको ये दबाव डाला जा रहा था तब से वो मोबाइलों पर किन किन से बात कर रहे थे, आखिर इन सब लोगों की तो बड़ी बड़ी जगह बात हो रही होगी ना, ये भी एक बड़ी चीज है, कॉल डिटेल्स भी आनी चाहिए सामने कि कौन किससे कब बात कर रहा था। 10 दिन पहले आपने पत्र लिख दिया और हाँ। पुलिस प्रशासन स्वयरा और भाजपा के किन नेताओं का संरक्षण है, जैसे आप कैबिनेट मंत्री की बात बार बार आ रही है, तो उसमें क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी खुल के बोल रही है कि हमारा व्यक्ति है या नहीं है, ये हाँ। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिनका इस प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान हो, ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये यही एक बड़ा सवाल है मथुरा जी। मैं निशित जोशी जी भी हमारे साथ हैं, निशित भाई क्या लगता है आपको, निशित भाई कि एक बड़ी घटना आज आपके सामने है, एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है जिसकी बात जोशी जी भी कर रहे थे, जोशी जी कह रहे कि वो हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसके अंदर भागीदार था, देखिए लोगों को रोजगार भी दिया और अच्छी छवि थी, लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारे यहाँ के बिल्डर हैं या जमीन के लोग हैं या और भी कोई बिजनेसमैन है, अगर उससे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े तो ये सवाल बहुत कचोटता है, ये उत्तराखंड के लिए एक सायरन है कि अब भी जाग जाओ। जोशी जी, संजय भाई एकदम सही कह रहे हैं आप, एक उपन्यास है मारिपोजो का गॉडफादर, तो गॉडफादर की एंट्री तो उत्तराखंड में बहुत पहले हो चुकी है, अब सवाल है कि कौन वो लोग हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक आदमी अदना सा, मैं कहूंगा बहुत अदना सा है ये गुप्ता ब्रदर्स, वो दो दो स्टेट की पुलिस को मैनेज कर लेता है, एक स्टेट की पुलिस एक्शन नहीं लेती और दूसरे स्टेट की पुलिस दबाव डालती है, तो ये जांच सबसे पहले होनी चाहिए कि इन दोनों स्टेट की पुलिस को वो कैसे मैनेज कर रहा था, उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या केंद्र में बैठे लोग हैं, स्टेट में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं जो प्रेजेंट में हैं या पास्ट में हैं, उत्तराखंड में माफियागिरी आज से नहीं हो रही जमीनों की, चाहे वो पुरानी सरकारें हो या नई सरकारें हो, लेकिन नदियों में कैसे कब्जा कर रखा है अब जांच हो रही है, तो दोषी तो सभी हैं। मैं मिस्टर सानी से कभी मिला नहीं, वैसे भी बिल्डर से मैं बहुत दूर रहता हूं, किसी बिल्डर से मिलो तो 2 मिनट में आरोप बहुत जल्दी लग जाते हैं पत्रकारों पे, लेकिन ये जो मैंने जो पढ़ा है अभी से सुन रहा था, मैं थोड़ा देर से आया हूं उसके लिए सॉरी, मैं सुन रहा था तो तकलीफ हो रही कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अभी ज्योति जी कह रहे थे कि मोबाइल की जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पे, वो कहां बात कर रहा था, किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, और जिस आदमी ने भी गुप्ता ब्रदर्स ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया वो भी एक केंद्रीय मंत्री के बहुत खास हैं, उनका क्या रोल था, इन सब की जांच बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड। निशित जोशी जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किसने इंट्रोड्यूस कराया, उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं आया, केवल उसका एक नाम आया, यहाँ की उनसे पहले भी उस व्यक्ति का नाम एक और बिल्डर के साथ जुड़ा था, वो प्रकरण भी पूरे देहरादून में उछला था, वो भी सबको याद है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक जांचे गई थी, वो नाम भी बड़ा चर्चित नाम रहा है, और नीरज भाई भी उससे सहमत होंगे और जोशी जी भी शायद जानते होंगे। निशित भाई बोलिए जी। जी सवाल यही है कि आखिर हम पर्सनल लिस्टों में, हम लोग पर्सनल लिस्टों में कितने डरपोक हो गए हैं, हम लोग नाम लेने में डरते हैं, मेरे पर्सनल लिस्ट, इस समाज का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे, देहरादून को क्या से क्या बना दिया,
ये देहरादून तप रहा है, आग बरस रही है, लोगों को लू लग रही है, कौन लोग हैं ये? क्या माफियागिरी जमीन की आग से शुरू हुई? और जिन लोगों ने भी ये अभी आप कुछ जो फर्जी ये घोटाला था जमीन का, पहले किन लोगों को पकड़ा, किन लोगों को बचा ले गए आप? एक आदमी जेल में ही मर गया, ये गॉड फादर है कोई पीछे, जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा। और उसमें मैं बता रहा हूं, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व हैं, पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं, और अगर मैं कहूं मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व होंगे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। समाज के हर अंग के लोग उसमें फंसे हुए हैं और सबके अपने अपने हित हैं, सबके हित संरक्षित हो रहे हैं। तो हमको जांच तो करनी पड़ेगी और सीबीआई से नीचे तो जांच होनी नहीं चाहिए। और स्पेशली मेरे ख्याल से यहाँ के सीएम को योगी जी से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन लोग की जांच हो, जो भी पुलिस ऑफिसर्स वहां थे, और यहाँ जिन पुलिस अधिकारियों के पास ये लेटर गया था वो दवाई क्यों रखे? दे शुड बी हैंग्ड। अगर एक बार ये नहीं होगा तो उत्तराखंड में आए दिनों में, आने वाले दिनों में तमाम मौतें होंगी, तमाम लोग सुसाइड करेंगे, क्योंकि वो गठजोड़ बहुत बढ़ गया है, मुझको ऐसा लगता है पर्सनली। अच्छा निशित भाई, एक और कहा जा रहा है, निशित भाई जिसमें एक और बात आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है जो दबाव बनाया जा रहा था। आप देखिए, दबाव दो तीन तरीके के हैं। क्या एक गुप्ता बंधुओं के दबाव बनाने से ही एक आदमी इतना टूट जाता है, इतना बड़ा आदमी जिसे नरेंद्र सेठी जी कह रहे हैं कि मैं उन्हें पर्सनल जानता था, कायर नहीं थे? ये तो आप भी है, जोशी जी भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति एक बड़ा नोट लिखेगा केवल एक व्यक्ति के दबाव में आकर, मतलब वो जो दबाव है वो दबाव देखिए किस तरीके का होगा, किस स्तर का दबाव होगा कि जब आदमी को ये लगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब लगने का मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मेरी सुनेगा नहीं, किसी के पास मैं जा रहा हूं मेरी सुन नहीं रहा है। ये बहुत सारे तथ्य हैं जो इसके एक पिन पॉइंट है कि आखिर जो दबाव है वो ऐसा कौन सा दबाव था कि खाली एक व्यक्ति ने फोन करके दबाव बना दिया, एक रिपोर्ट दर्ज करा दी और एक आदमी टूट गया और उठाकर आत्महत्या कर ली। जोशी जी, जी मैं तो ये सोच रहा हूं कि पहले जब कोई दबाव आता था तो लोग मीडिया के पास चले जाते थे। इस व्यक्ति के संपर्क भी मीडिया से ठीक ठाक रहे होंगे, इसने मीडिया से भी संपर्क नहीं किया, आखिर क्या दबाव था? निश्चित तौर पे ये इट मे बी मर्डर, मैं तो यही मान सकता हूं ये प्लैंड मर्डर है। उसको कूदने के लिए मजबूर किया गया है या धक्का दिया गया, ये भी जांच होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा विषय है। बिल्कुल संजय जी, नरेंद्र सेठी जी, हाँ बोलिए बोलिए जी। बिल्कुल, ये जोशी जी, निशित जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हम उस पहलू पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि ये किसी किसी को अगर इतना प्रताड़ित कर दिया, हो सकता है वो अपने घर पे ही आत्महत्या कर लेता। हाँ, सातवें पर चढ़कर उन्होंने जो आत्महत्या करी उस समय उसके कॉल लोकेशन में कौन कौन था, और क्या मालूम जो बात कही जा रही, क्या मालूम उनको धक्का दिया हो पीछे से। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रकरण है। और इस बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, अगर कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो रही है या उससे पहले जो लोग मीडिएटर जो लोग थे उनके ऊपर तो पहले ही बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, पहले उनका नाम बड़ी चर्चा में रहा है। उसके अलावा इस परिपाटी, हाँ, इस तरीके की परिपाटी की अगर वारदातों को यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया, एक बार अगर चरागाह मिल गया तो इस तरीके की पुनरावृत्तियां कई होंगी, तो इसलिए इसका सीबीआई के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये इससे ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित भाई, कितने सहमत हैं आप कि जांच जो है वो सीबीआई होनी चाहिए? निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई से ही जांच होनी चाहिए, और वो किसी सिटिंग जज की देखरेख में हो। हाँ, तो लगातार वॉच करे, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उसको वॉच भी करे कि व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल लोग होते हैं कि उनको भी ब्राइब कर देंगे। अभी मैंने मध्य प्रदेश का एक केस पढ़ा है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सीबीआई के लोग जाते थे, उनसे पैसा ले लेते थे, अभी बहुत से पकड़े गए हैं। तो हमारे को तो फेथ हिल रही है ना, मतलब ये बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। और नीरज भाई, अगर आप देखें, सेठी जी भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे अभी भी जो पर्दे हैं ना वो वास्तव में हटे नहीं है, ये तो इतिश्री वाली स्थिति लग रही है कि उठाया और अरेस्ट किया जिनके नाम आए और सामने किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई, उसके बाद इतिश्री। नीरज भाई, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पेंच है कि आखिर वो दबाव कैसे बनाया गया, कौन सा वो दबाव था, क्या केवल एक व्यक्ति दबाव बनाएगा वो दबाव में आ जाएंगे, कौन कौन लोग उसमें पार्टनर रहे हैं, उनकी किस किस से बात होती थी, ये बहुत सारी चीज है। और सातवीं मंजिल से जाकर एक बड़ा लंबा चौड़ा नोट लिखकर आदमी आत्महत्या कर ले, और 16 तारीख से अब तक की एक चिट्ठी की जो बात आप कर रहे हैं वो भी एक बड़ी चीज है।
नीरज भाई, संजय भाई देखिए, ये बहुत अत्यंत गंभीर और हाई प्रोफाइल प्रकरण है, और अगर पूरी ईमानदारी से इससे पर्दा उठाना है तो सीबीआई से नीचे तो मुझे लगता है इसमें जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ प्रकरण है ये, और उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ प्रकरण है, और कौन कौन लोग इसमें, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक साजिश भी हो सकती है। इसलिए इस साजिश से पर्दा उठे तो इसके लिए जांच भी उस स्तर की होनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल की हम जांच, जिस लेवल का ये प्रकरण है, उस लेवल की जांच मैं नहीं समझता कि या पुलिस या एसआईटी कर पाएगी। और नीरज भाई, जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना कि बड़ी मछलियों के नाम जल्दी आएंगे, उनको भी एक इशारा होना चाहिए कि भाई जल्दी से वो बड़ी मछलियों के नाम सामने ला दें, कम से कम एक जो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर राजनीति तो ना हो, कम से कम पता तो लगे कि वो राजनीति का आका कौन है। बिल्कुल, और आपने अगर शहर का वातावरण, अच्छे लोगों के कामकाज के लिए अच्छा वातावरण बनाना है आपने, और सरकार की भी इसमें प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, तो जब तक वास्तविक लोग, जो इसके पीछे के लोग हैं, जो साजिशकर्ता लोग हैं, वो जब तक पूरी तरह से सामने नहीं आएंगे, तो मुझे लगता तब तक बात बनेगी नहीं, और एक मैसेज देने के लिए, अच्छा मैसेज देने के लिए। चलिए मैं मथुरा जोशी जी से एक टिप्पणी पे ले लेता हूँ। जोशी जी, क्या कहेंगे आप, कितने सहमत हैं आप, हमारे तीनों वरिष्ठ पत्रकार आपके बीच में थे, क्या कहेंगे आप इसमें, अगर दो लाइन में मैं आपको कहूं, क्योंकि समय खत्म हो गया। मैंने तो पहले ही कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच हो। नीतीश भाई ने और बड़ी बात कह दी, अगर सरकार में अगर थोड़ी भी हिम्मत है और सरकार अगर संवेदनशील है, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई से जांच कराई जाए। देखिए, जो जिस तरह मैंने इशारा किया, नरेंद्र भाई ने बिल्कुल साफ बात कह दी कि सातवीं मंजिल में आदमी चढ़ रहा है। क्यों आदमी सातवीं मंजिल में गया, किससे मिलने गया, उसके कॉल डिटेल्स क्या हैं, क्या किसी ने धक्का दिया कि नहीं दिया, सातवीं मंजिल में कोई बहस हुई कि नहीं हुई, कौन लोग वहां पर उपस्थित थे, ये बड़े तथ्य हैं। और भी है जोशी जी, एक जो वो 10 दिन तक वो चिट्ठी घूमती रही ना जांच के लिए, आखिर उसमें जांच में किसी ने कुछ किया या नहीं किया, वो भी सामने आ जाना चाहिए। 10 दिन तक उत्तराखंड की पुलिस सोई रहती है। 10 दिन पहले आप पे पत्र आ जाता है और उस पत्र को आप रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी। चलिए, ये भी एक बड़ा विषय है कि आखिर 10 दिन तक वो चिट्ठी घूमती कहाँ रही। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून की इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को सकते में डाल दिया। इससे पता लगता है कि राज्य में भू माफियाओं ने किस तरह अपना जाल बिछाया है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, यहां तक कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के नाम की भी बात हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि उससे भी बड़े और लोग हो सकते हैं, गठजोड़ की बात भी हो रही है। ये जो भी चीजें हैं, इस घटना से पर्दा उठना चाहिए, और इसके लिए जो बात हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सरकार को भी इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।